हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीज किचन। आज हम पालक कोफ्ता ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो आप ये लिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पालक कोफ्ता बनाने के लिए कोफ्ते का बैटर बना लेंगे। तो चॉप किए हुए पालक मैंने लिए हुए हैं, उसमें कटे हुए हरी मिर्च, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट देंगे। साथ ही हम बेसन ले लेंगे। बेसन हमने ज़्यादा नहीं लिया है और इन सबको हम स्पून के हेल्प से मिक्स कर लेंगे। ये कोफ्ता बनाने के लिए मैंने वाटर का यूज़ नहीं किया है। देखिए, इस तरह से राउंड कर लेंगे और ऑयल गरम हो जाने के बाद इन कोफ्तों को हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें पलट पलट के अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम बाकी कोफ्तों को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें हम क्यूमिन सीड्स दे देंगे तड़के के लिए। साथ ही हमने कटे हुए प्याज भी दिए हैं। इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो टमाटर, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक और कैशू नट्स का जो पेस्ट है वो हम दे देंगे। 1 से 2 मिनट लगातार हम इसे मिक्स करते रहेंगे। ये थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर और साथ ही टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड कर देंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। वाटर हम ज़्यादा नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 300 ml वाटर लिया है। अब हम लिड से कवर करके इसे बॉयल होने देंगे। ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ते और साथ ही कोफ्ते ऐड कर देंगे और अगेन हम लिड से ढक के 1 से 2 मिनट इसे कुक कर लेंगे। ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म कोफ्ता ग्रेवी तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे स्टीम राइस के साथ या चपाती के साथ या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे सर्व करने से पहले मैंने इसमें फ्रेश क्रीम दे दिया है ऊपर से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।